वेलकम टू न्यू ब्लॉग न्यू डे। तो भाई सवेरे सवेरे आ गए हैं उत्कल पकड़ने के लिए, बट हुआ ये क्या, हम घर पे देखे नहीं, पटाखों नहाए धोए निकले और स्टेशन पर पहुँचते तो पता चलता है कि उत्कल तो लेट है अभी 2 घंटे, और पापा को जाना है राहुल के लसाते में आ रहे थे, ये पापा गए हैं कुछ भूल गए थे दोस्त लाने के, 2 घंटा वेट करेंगे स्टेशन, घर जाके क्या करेंगे, मतलब सामान तो ले आए भाई। आ गए हैं झांसुगुड़ा, गाड़ी लेट थी, थोड़ा देर पापा का गपशप किए हैं स्टेशन में, फिर बात करते करते आ गए झांसुगुड़ा। पापा राहुल किला में उतर गए, एक्चुअली राहुल किला में मेरी बड़ी भाभी रहती है, बड़ी भाभी का मायके है, तो बड़ी भाभी को लेने के लिए गए। तो वहाँ से पापा अपना फिर से रिटर्न हो जाएंगे टाटा, और हम आगे झांसुगुड़ा आते साथ सबसे पहला काम किया भाई, बॉक्स जो हम लिए थे, बॉक्स से पहले नाम हम अपना लिख लिए, और आपका भाई इतना गजब का पेंटर है, ऐसा नाम लिखा है कि देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरा नाम का साकी नाका कर दिया भाई, ऐसा लिख दिया, इधर तो मत बोलिए, इधर तो और बेइज्जती। से पहले वाला में क्या किए थे कि काफ़ी अच्छा से नाम लिखे थे, नाम लिखे थे क्या, नाम प्रिंट करवाए थे, उसमें यार मेरा पेटी जो ख़राब कर दिया ना, इसलिए अब फिर प्रिंट कराने का हिम्मत नहीं हुआ, बोले जैसा है वैसे ही रहने दो, अब वैसे ही करा लिए, और मैं भी शाम में ड्यूटी लगेगा, पेटी का काम हो गया, खाना पीना घर से लाए हैं, खाना खाना है, आराम से रेस्ट करना है, फिर शाम में देखा जाएगा क्या होता है, चले देखते हैं आगे क्या होता है। तो गुड इवनिंग भाइयों, और ड्यूटी हो गया है, संबलपुर लग गया है भाई अभी 18 बजे का, शाम के 6 बजे का, तो 5:30 ऑन ड्यूटी है, और 5:30 से बहुत ज़्यादा हो गया खाना बनाते हुए, तो लेट हो गया, बैचलर आदमी क्या करेगा, खाना बनाने में टाइम लगेगा ना यार, तो खाना बनाते हुए लेट हो गया, और रोहित निकलते हैं और संबलपुर में मिलते हैं, गुड बाई।